इतना बताए कोई कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां काजल की सियाही। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। ये माइक टेस्टिंग का पार्ट 3 है। पहले दो पार्ट में गलती किया था कुछ, तो उसकी वजह से माइक काम ही नहीं कर रहा था। इसकी वजह से वो सारे मिस्टेक करेक्ट करके नाउ दिस इज थर्ड टाइम आई एम टेस्टिंग माय माइक एंड आई होप दिस टाइम इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली, क्योंकि लास्ट पता नहीं कितने दिन से हम लोग जिस मैनुअल सेटअप पे काम चला रहे हैं, मतलब ऑडियो एक तरफ वीडियो एक तरफ, फिर दोनों को क्लब करो, दोनों को प्रॉपरली सिंक करो, सिंक करने के बाद फिर वीडियो एडिटिंग खत्म करो और फिर वीडियो पब्लिश करो। तो दैट वाज अ काइंड ऑफ अ हेक्टिक टास्क, बट वंस दिस माइक स्टार्टेड वर्किंग प्रॉपरली आई डोंट हैव टू डू दैट अगेन एंड अगेन बिकॉज एवरीथिंग विल बी विद द कैमरा माइक एंड कैमरा ऑडियो ओनली। तो वेलकम टू द वीडियो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। आपका होस्ट है दोस्त मिस्टर राजवीर, और जस्ट एक टेस्ट वीडियो है। ये माइक ठीक से काम कर गया तो मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो देखते हैं ऐरोली की गलियों में अपना माइक कैसे काम करता है, क्योंकि अभी हवा तो काफ़ी अंदर आ रही है। जहाँ तक मुझे पता है ये माइक काफ़ी अच्छा है इन टर्म्स ऑफ नाइक नॉइस ऑपरेशन एंड विंड नॉइस ऑपरेशन, तो इट शुड वर्क। जो भी नॉइज आ रहा है वो सप्रेस होना चाहिए, जो मैं बात कर रहा हूँ बस वही प्रॉपरली रिकॉर्ड होना चाहिए। बट अभी देखते हैं कि सच में क्या होता है क्या नहीं होता, और अगर ये प्रॉपर काम करता है तो इट्स गोना बी अ बिग सक्सेस, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 महीने से ऊपर हो गए हम लोग मैनुअल पे काम चला रहे हैं। और अभी थोड़ा माइक सेटअप ठीक हो गया थी काइंड ऑफ रिलीफ। शायद हो सकता है अभी मेरा कल परसों होम टाउन जाने का प्लान है विद द बाइक एंड ये देखेंगे। ये लास्ट टाइम हमने लोनावाला की जो वीडियो शूट की थी पुणे, ये रिमेंबर मुंबई टू पुणे एंड पुणे टू मुंबई मैंने एक व्लॉग किया था, तो उसमें भाई वीडियो सिर्फ वीडियो थी, ऑडियो में कुछ नहीं था क्योंकि सेम ओल्ड स्टोरी। बट नाउ वो देखते हैं अभी आज ये वीडियो देखने के बाद एडिटिंग पे पता चल ही जाएगा कि क्या सीन है। बट उम्मीद तो यही है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा, एंड देन अगर प्रॉब्लम ठीक से सॉल्व हो जाता है तो अभी अपनी अपकमिंग राइड है मुंबई टू होम टाउन, एंड उसमें भी बहुत सारे कोशिश तो मेरा है वहाँ मार्शल जाने का, क्योंकि मार्शल यार हर बाइकर का एक फेवरेट डेस्टिनेशन है, और भाई मार्शल का व्यूज़ कोई मिस नहीं करना चाहेगा। तो देखेंगे वहाँ मार्शल अगर गया तो आई बी हैविंग अ ह्यूज रिकॉर्डिंग्स। मार्शल में अभी अच्छा खासा इन्वायरमेंट हो रखा है, नॉट इन टर्म्स ऑफ रेन, बारिश तो अभी बिल्कुल भी है नहीं, बट ग्रीनरी है और द काइंड ऑफ अ व्यू वी गेट इट। अगर दोपहर में आप वहाँ पे जाते हो ना, एक ऑसम व्यू वहाँ पे मिलता है, और उसी व्यू के लिए मैं थोड़ा सा प्लान कर रहा हूँ वाया मार्शल्स। अदरवाइज अगर वाया मार्शल्स प्लान नहीं हुआ तो फिर लोनावाला तो है ही, तो
तो वायर लोनावला देखेंगे कितना क्या हो सकता है। और देन आते हुए फिर देखते हैं कोई अल्टरनेट रूट ले सकते हैं, क्योंकि मुंबई टू पुणे बहुत बहुत ज़्यादा रूट्स अवेलेबल है फॉर द बाइकर्स। सो कोशिश तो ये करेंगे कि आने के लिए अलग से और जाने के लिए अलग से रूट। थोड़ा रो करके देखते हैं कि कोई इधर हमारे अंदर आ रहा है क्या। चाहते हो? एक्चुअली आज है हमारी मैरिज एनिवर्सरी। रिस्क है तो इश्क। 13 साल पहले मैंने अपनी शादी की थी, इसी तारीख को 2009 में। वो अपने जमाने का अपना एक अलग किस्म की लव स्टोरी थी। कभी फुर्सत में बताऊंगा डिटेल में क्या क्या सीन हुए थे और क्या क्या पंगे हुए थे। बहुत मजा आया था। और बहुत लोगों को मतलब तकलीफ भी हुई थी काइंड ऑफ, और वो उनके जगह पे ठीक भी था। बट हमने आई प्रूव्ड इट माई सेल्फ, मैंने बहुत सारी चीज़ें उसके बाद अचीव की है एंड वी आर लिविंग अ हैप्पी लाइफ एवर आफ्टर सिंस। बट वो होता है ना भाई, टांग अड़ाने वाले तो भाई खुशियों में भी टांग अड़ा देते हैं, तो दैट इज कम्प्लीटली फाइन। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। बट एनीवेज, तो ये था आज का शॉर्ट टेस्टिंग वीडियो। अगर माइक प्रॉपरली काम कर रहा है तो मेरे जितना खुश कोई नहीं होगा, अगर नहीं कर रहा है तो फिर देखते हैं अगला जुगाड़ क्या करना है। बट ये वीडियो आप देख रहे हो इसका मतलब माइक ठीक से काम कर रहा है और अपना जो भी सेटअप हमने कल किया था दैट वाज अ सक्सेस। सो फॉर नाउ गाइस, टेक केयर, बी सेफ, बी हेल्दी, एंड लाइक आई ऑलवेज से, वन लाइफ, कीप एंजॉयिंग, कीप वंडरिंग एंड कीप ट्रैवलिंग। गुड डे। मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, कितनों की लव स्टोरी यहाँ। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। केसरिया तेरा इश्क है पिया, खैर मनाऊं।
मौसम में भी रंगी चनारों जैसी झंके सन्नाटों में तू वीणा के तारों जैसी सदियों से भी लंबी ये मन की अमावस्या है और तू फुलझड़ियों वाले त्योहारों जैसी चंदा भी दीवाना है तेरा जलती की लव स्टोरिया केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिन बीते सारा तेरी फिक्र में रैन सारी तेरी खैर मनाऊं केसरिया तेरा इश्क है सपा करा सरा कर सबरा कराए सर सर कर